मैं वाटर क्रॉसिंग में फेल हो गया, तो हमेशा हेलमेट लगा के गुजरना। अगर ऊपर से कुछ भी गिरे तो पराठा और दाल वगैरह सब कुछ सर फ्री में खिला दे। ऐसे फोड़ना तो ये देखो अंदर से ना बादाम निकलेगा, देख सकते हो। ये पिलर पे यहाँ पर बैठ के हीरो ने शूट किया था कुछ सीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के और एक नए ब्लॉग में। कल रात में जो है ना इस जगह पे टेंट लगाए थे, और एक दूसरा ट्रेवलर आया था तमिलनाडु से, तो उन्होंने भी इधर ही टेंट लगा रखा था। बाकी अंकल का जो है ना, दिल से शुक्रिया अंकल ने टेंट लगाने का जगह दे दिया। ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट में कोई देता नहीं है, वैसे आपको पता ही है। इधर देख सकते हो बैठते भी है लोग आके, तो फिर भी अंकल ने दे दिया, शुक्रिया अंकल। लद्दाख का खासियत है, लद्दाख में कहीं पर भी टेंट लगाने का परमिशन मांगते हैं तो कोई भी अलाउ कर देते हैं। कोई वैल्यू पर है, वो तो कोई मना नहीं करता। बिल्कुल आराम से जाना, बिल्कुल रास्ते में टेंट लेना बस। हाँ। यू ही है बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एरिक्सन। अच्छा, आप इधर का लोकल हो? लोकल, मैं लोकल हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बिल्कुल। आज का भी राइड को कर चुका हूँ स्टार्ट, और अभी मैं जो है ना थोड़ा पीछे जा रहा हूँ डिस्किट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर एक पिलर है, उस पिलर पे एक मूवी शूट हुआ था डेयर कॉम्रेड करके, वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचाना है। कल आते वक्त ना बहुत ज़्यादा भीड़ था, वहाँ पर खिंचा नहीं पाया, तो अभी सुबह सुबह जाके खिंचा लेते हैं। कुछ यहाँ से 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर साइकिल चला के आके पहुँचा था उस पॉइंट पे जहाँ पर कि डेयर कॉम्रेड का कुछ सीन शूट हुआ। देख सकते हो ये वो पॉइंट था, डिस्किट 12 किलोमीटर लिखा हुआ है इस पिलर पे। ये पिलर पे यहाँ पर बैठ के हीरो ने शूट किया था कुछ सीन। हीरो का जो नाम है विजय देवराकोंडा, और हीरोइन था रश्मिका मंदाना। जिन लोगों ने ये वाला मूवी नहीं देखा ना, ज़रूर देखना, ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ट्रैवल करने का बहुत मन करेगा आप लोगों को। बहुत अच्छा फिल्म है, मैंने तो फुल देखा था। बाकी मैंने शूट वगैरह कर लिया, अगर आप लोगों को पूरा सीन वगैरह देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो, दी अनु भाई के नाम से ही है, जो यूट्यूब का नाम है वही है। बाकी यहाँ से निकलते हैं अभी पेंगोंग की तरफ। पेंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है कुछ यहाँ से 137 किलोमीटर है, और फिलहाल मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे हूँ, तो पेंगोंग लेक जो है ना और हाइट पे है, तो मेरे को चढ़ना भी पड़ेगा। और जिस रेस्टोरेंट पे रात में रुका था उधर का अंकल बोल रहा था रास्ता भी बहुत ख़राब मिलेगा, तो पता नहीं कितना दिन में पहुँचेंगे पेंगोंग लेक। ये वो पेट्रोल पम्प है जहाँ पर मैं रात में रुका था, अभी उस जगह को क्रॉस कर दिया, अभी थोड़ा सा चराई दिख रहा है मेरे को, इधर चढ़ना है, इधर आना है, नदी के उस साइड है रास्ता। वो पेट्रोल पंप था, वहाँ से देखो ऐसे घूम के आया, छोटा सा एक चराई था, ज़्यादा बड़ा चराई नहीं है, अभी देखो नॉर्मल रोड है। और पेंगोंग तक ऐसा ही मिलेगा, और पेंगोंग लेक का हाइट जो है ना कुछ 13,660 फीट की ऊंचाई पे है, और फिलहाल मैं 10,500 कुछ फीट की ऊंचाई पे हूँ, तो थोड़ा बहुत चराई तो मिलेगा कहीं ना कहीं। कल एक आंटी ने जो है ना मेरे को खाने के लिए कुछ एप्रिकॉट दिया था, सूखा हुआ ड्राई वाला, देख सकते हो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एप्रिकॉट खाने के बाद जो है ना इसका जो बीज है इसको फेंकना मत, इसको ऐसे पत्थर पे रख के ऐसे फोड़ना, तो ये देखो अंदर से ना बादाम निकलेगा, देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग एप्रिकॉट ट्राई करना, और इसका बीज से निकाल के बादाम खाना, वैसे तो मिलता ही है इसका बादाम खरीदने में भी। साइकिल चलाता हुआ टाइम जो है ना 11 बज चुका है, अभी रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत कुछ था, देख सकते हो एक प्लेन पराठा ही था जो सस्ते में था, तो मैंने यही ऑर्डर किया था, लेकिन जो इधर का भैया लोग है उन्होंने बोला प्लेन मत खाओ आलू वाला ही खाओ, मैं डिस्काउंट लगा दूंगा, तो ये देख सकते हो मस्त आलू वाला पराठा है, तो ये भैया ने डिस्काउंट लगा दिया। क्या नाम है भैया आपका? उदय। उदय कहाँ के रहने वाले? अच्छा, और एक ये भैया है, आपका क्या नाम है भैया? वीरेंद्र। वीरेंद्र आप कहाँ के हो? अच्छा, दोस्त हो क्या दो जने? ये मेरे रिश्तेदार। अच्छा रिश्तेदार है, अच्छा अच्छा चलो, तो देख सकते हो मस्त दो पराठा है, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये चटनी भी है इधर कुछ पता बनाते हैं, लहसुन प्याज वगैरह से, देख सकते हो।
ब्रेकफास्ट करके निकलते ही ये देखो रास्ता ऑफ रोडिंग कितना, ओ भाई साहब मेरे हाइब्रिड टायर के लिए ना ये बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो जाता है, एमटीबी के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मली है। बाकी आगे देखो पत्थर, कहीं गिर ना जाओ, एक पत्थर के ऊपर चढ़ के स्लिप ना कट जाए। ओ ओ, ओ तरीका भाई साहब क्या ऑफ रोडिंग है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था तो मैंने हुडी हुडी उतार दिया, ओ, 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 ले उतर नहीं पा, एक हाथ से ऑफ रोडिंग नहीं किया जाता है। बाकी ये पता नहीं कौन सा गांव है, कुछ गांव टाइप का था देख सकते हो। बाकी अभी मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर अच्छा रास्ता मिलता है। ऑफ रोडिंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये देखो बाली वाले ऑफ रोडिंग मिल गया। पत्थर उत्थर रहे तो उसमें साइकिल आराम से चले भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा अगर बाली मिले ना तो बड़ा मुश्किल है, साइकिल को ऐसे ठेल ठेल के जाता ही नहीं है, साइकिल फंस जाता है क्योंकि मेरा टायर बहुत पतला है देख सकते हो, टायर दब जाते हैं बाली में। ओ जा ठेल ठेल के, ठेल ठेल के गाइस, ठेल ठेल के, ओ ये। बाकी रेगिस्तान देखो, रेगिस्तान देख सकते हो, सब बाली बाली। ऐसा रोड मिले तो चला के चल भी सकते हैं, लेकिन बाली वाला जब मिल जाता है ना तब पैदल चलना ही मुश्किल होता है। बस ऐसा में परेशानी एक ही है, जब कोई दूसरा गाड़ी जाता है ना तो एक तो धूल तो उड़ता उड़ता ही है, साथ में प्लस उस गाड़ी की टायर से ही छोटा छोटा पत्थर छिट के आगे शरीर में लगने का चांस रहता है, बस इसी चीज़ का डर रहता है। और अच्छी बात तो ये है कि बारिश नहीं हो रहा है अभी, अगर बारिश रहता ना तो इन सब में कीचड़ फीचर रहता और वाटर क्रॉसिंग भी मिलता। बाकी पता नहीं है आगे शायद वाटर क्रॉसिंग हो सकता है, मिलता है वाटर क्रॉसिंग इस रोड में। और भाई साहब जो पराठा पराठा खा के आया ना सब ख़त्म, पराठा पराठा, ओ तेरिका कितना झटका। और अपना चेतक का जो टायर है बहुत जल्दी घिस जाएगा ऐसा रोड में। दस किलोमीटर लगभग ऑफ रोडिंग किया, एक बार रोड देखो ना ऐसा रोड था, ये पत्थर है गोल गोल देख सकते हो, और अभी शायद पिच रोड मिलने वाला है देख सकते हो, सामने दिख रहा है। बाकी टाइम जो है ना 2:00 है, बहुत तेज़ी का भूख लग रहा है, तो मेरे साथ में जो है ना सत्तू पड़ा हुआ है तो सत्तू बना लेते हैं। सत्तू अपना मस रेडी हो चुका है देख सकते हो, यहाँ पर पानी चीनी नमक और सत्तू है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को ऐसे करके, एक बनता है नमक मिर्च प्याज वगैरह डाल के उतना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को मीठा से ज़्यादा पसंद है। देखो एक बार कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, क्रीम जैसा। और एक बार पैरों का हालत देखो ना क्या हुआ, वाइट वाइट हो गया सब। फिर भी तो मैं बहुत बचा बचा के चलता हूँ, इसकी वजह से शरीर गंदा नहीं होता है, कम गंदा होता है। 2 कटोरी सत्तू बना के खाया, एकदम पेट मस्त भर चुका है, अच्छा लग रहा है पेट में, थोड़ा एनर्जी आया शरीर में ऐसा लग रहा है। यही पे बैठ के थोड़ा टाइम मस्त रेस्ट भी ले लिया, और हवा चल रहा है काफी तेजी का देख सकते हो, तो अपना राइड को कंटिन्यू करते हैं। एक 1.5 किलोमीटर शायद चले होंगे प्लेन रोड में, और अभी देखो रोड कैसा मिला है, ये देखो रोड ही नहीं है, ये सब नदी है देख सकते हो, इसके ऊपर ही ऐसे ही निशान बना हुआ है, इसी निशान को देख के मैं जा रहा हूँ। और ये जो जगह देख रहे हो ना, ये ना यहाँ पर नदी था, सूख चुका है, नहीं तो यहाँ पर मेरे को वाटर क्रॉसिंग मिलता। अच्छा हुआ मेरा किस्मत अच्छा है, मेरे को सब गिल्ला करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वाटर क्रॉसिंग में जूता वूता सब गिल्ला हो जाता है। बाकी ये थोड़ा रिक्सी है, यहाँ पर जो है ना गोल गोल पत्थर है तो स्लिप बहुत ज़्यादा कटता है। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग मिल ही गया, ये देख सकते हो, बस इसको क्रॉस करते वक्त गिर ना जाओ नहीं तो सीन हो जाएगा।
जहाँ मैं वाटर क्रॉसिंग में फेल हो गया। मेरे को देखने में लग रहा था एकदम इजी है, इतना सा पानी है, थोड़ा सा आगे आते ही रुक गया टायर और आगे नहीं बढ़ा, छट जूता उता सब गीला हो गया, सीन हो गया जा। अरे जा, ठंडी इधर ऐसे वैसे ही इतना ज़्यादा है, जूता गीला हो गया, अब सीन होगा। जो होना था वो तो हो ही चुका है, अब जूते को खोल के थोड़ा सुखा लेते हैं, क्या पता चलते चलते सूख जाए। ये देखो शट सीन हो गया। अपना चेतक को उठा के चल दिया आगे की तरफ। ऑफ रोडिंग तो अच्छा खासा है, देख सकते हो, खत्म करते हैं पटापट इसे। तो जी फाइनली ऑफ रोडिंग खत्म हुआ, आगे अच्छा रोड दिख रहा है और पेंगोंग लेक का डिस्टेंस 109 किलोमीटर। आप पता नहीं ये रोड कितना दूर तक अच्छा है, बस चलते रहते हैं जहाँ तक अच्छा है वहाँ तक मस्ती में। साइकिल चलाता हुआ टाइम जो है ना कुछ 5 बज चुका है और अभी मैं रुका था थोड़ा सा चाय शाय पीने के लिए, और सिर्फ चाय पीने के लिए रुका था। तो इधर ही एक सर मिला, देख सकते हो दुकान का ओनर है सर। सर मेरे को चाय तो पिलाया, साथ में देख सकते हो पराठा और दाल वगैरह सब कुछ सर फ्री में खिला दे रहा है। क्या नाम है सर आपका? नमजल। अच्छा, आप लोकल हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा सर, शुक्रिया आपका दिल से। तो मस्त अभी इसे खाते है, दो पराठा मस्त खा लिया। बाकी सर शुक्रिया आपका दिल से। थैंक यू। सर को बाय बाय बोल के निकलते जो है ना ठंड लगना चालू हो गया था, तो मैंने अपना हुडी निकाल के पहन लिया और अभी टाइम कुछ 5:20 हो रहा है, काफ़ी समय है मेरे हाथ में अभी साइकिल चलाने का और रोड भी एकदम प्लेन है तो मस्त आराम आराम से चलाते रहते। ये रास्ता देखो कितना डेंजरस है, एकदम पतला सा रास्ता है और साथ ही में देखो एकदम ऊंचा ऊंचा पहाड़ और एकदम बाली का है, हवा देते ही लगता है, हवा चलते ही लगता है गिर जाएगा और गिर भी रहा है हवा से थोड़ा बहुत करके छोटा छोटा टुकड़ा टकरी। अगर आप लोग कभी भी ऐसा जगह से गुजरो तो हमेशा हेलमेट लगा के गुजरना, अगर ऊपर से कुछ भी गिरे सिर पे लगेगा तो चोट नहीं लगेगा, अपना सेफ्टी का ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सा चराई था, देख सकती हो मैं पैदल पैदल चढ़ के आया, अभी डाउन है लेकिन इस पहाड़ का देखो देखने में डर ही लग रहा है, एकदम सीधा एकदम। यहाँ पर शायद लैंडस्लाइड हुआ था, इसके वजह से ऐसा हो रखा है। बाकी अभी रहने बहने का भी जगह देखना पड़ेगा, टाइम को 6:30 है। चलता हुआ जो है ना एक मस्त अभी मेरे को जगह दिखा रुकने के लिए, तो मैं सोचा परमिशन मांग लेते हैं, परमिशन मांगा तो रुकने के अलाउ कर दिया। ये देख सकते हो ये BRO का ये सब ऑफिस वगैरह है, तो इधर ये एक मस्त ये कैफ़े है, तो इधर अपना मस्त टेंशन लगा लेंगे, बोल दिया लगा लो कोई परेशानी नहीं, तो मस्त अपना टेंशन लगा लेते। टेंट वगैरह अपना मस्त लग चुका है ये देख सकते हो, और मैं भी एकदम हाथ मुंह धो के रेडी हो चुका हूँ, मतलब फ्रेश हो चुका हूँ। और अभी जो है ना खाने पीने के लिए यही पे कैंटीन है, इतना सारे स्टाफ है यहाँ पर तो सबके लिए कैंटीन बना रखा है, तो इधर ही जाके सर ने खाने के लिए बोला, तो इधर से अभी मस्त खा पी के आ जाते हैं।